सो है गाइज, हम जा रहे हैं आज राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय सवाई माधोपुर में है। तो इसमें रणथंभौर नेशनल पार्क के सभी जीव जंतुओं के फोटो है और राजस्थान के कुछ कलाकृति के या प्राकृतिक चीज़ों के हैं, है ना। तो आप देखना और एंड तक बने रहना वीडियो में। सो अब हम पहुंच चुके हैं राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में और यहाँ हम आपको हर वीडियो के एक शॉट में आपको अलग अलग क्लिप दिखाएंगे और राजीव गांधी जो प्राकृतिक विज्ञान रणथंभौर की इसमें सभी चीज़ें दिखाई गई हैं, मतलब कि जीव जंतु जो भी है ना, प्राकृतिक चीज़ें या कलाकृतिक या जो भी राजस्थान में है ना, उन चीज़ों का इसमें संग्रहालय, मतलब कि वहाँ से उठा के उनकी फ़ोटो तस्वीरें और इसमें लगा रखा है। कुछ डायरेक्ट जैसे कि पौधे डायरेक्ट लगा रखे हैं, कुछ चीज़ें उनकी पत्तियाँ, अंडे कुछ बना रखे हैं। तो इसमें कलाकृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को वॉच करना। ये बुलबुलैया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैं अपनी फैमिली के साथ में आया हूँ, मतलब कि माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और हमने ये नज़ारा आपको भी दिखाने की कोशिश की और मैंने वीडियो बनाया और आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ शूटिंग की। तो आपको वो पल दिखा रहा हूँ मैं। इस संग्रहालय में ज़्यादा आवाज़ भी नहीं कर सकते और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल नहीं सकते, मतलब कि कुछ पाबंदियाँ है ना। तो इसमें ज़्यादा मतलब कि कैमरा लेके इसमें फ़ोटो भी नहीं खींच सकते और वीडियो भी नहीं बना सकते, पर मोबाइल से थोड़ा बहुत चलता है और हमने कोशिश भी की कि हम मोबाइल का यूज़ करेंगे और हमारे पास मोबाइल ही है। तो हमने उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया और बनाने की पूरी कोशिश की और आपको दिखा रहे हैं कुछ शॉर्ट्स। हमें तो ये संग्रहालय बहुत अच्छा लगा और इसमें बहुत प्राकृतिक चीज़ें और कला। जहाँ से और प्राप्त होते हैं ना ये फल फूल और रणथंभौर में जो भी फल फूल प्राप्त या जो भी फल हैं या जो फ्लावर्स हैं उनके फ़ोटो दिखाए गए हैं और लगाए गए हैं यहाँ पर, और तितलियाँ कुछ जो भी जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं उनके भी फ़ोटो हैं। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा हमें, बहुत ही लुभावना। और यहाँ इसमें फ़ोटो है टाइगर, चीता और हिरण, जो भी हमारे रणथंभौर क्षेत्र में मिलते हैं ना जानवर, उनके सभी के फ़ोटो लगाए गए हैं इसमें। और बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, गाय भैंस जो भी यहाँ पर फसलें वो की जाती है उनके भी फ़ोटो हैं। और देखो हमारी बूढ़ी माँ या दादी माँ जो भी हमारे राजस्थान में पाई जाती है ना लेडीज, उनके फ़ोटो भी हैं। और बहुत ही नेचुरल तरीके से इसको सजाया है और बहुत ही अच्छा लगा है इसको देखने के बाद भी और पहले भी और अभी भी, जैसे कि हम देखते देखते जा रहे हैं उसी प्रकार हमें बहुत ही अच्छा और लुभावना लग रहा है। देखो ये काली बाई का फोटो, जिसने पर्यावरण को बचाने का प्रयत्न किया उसका यहाँ पर फोटो पाया भी जाएगा और लगा और नए जो भी है उनके भी लगाए जा रहे हैं। और ये देखो इसका नक्शा जो कि कैसे बना हुआ है, बहुत ही बड़ा पार्क भी है यहाँ पर और बाहर भी एक पार्क में बहुत ही फोटो है, पर वहाँ मैं नहीं जा पाऊँगा अभी, तो उसका मैं आपको फोटो या उसका वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। और यहाँ कुछ बर्ड्स के और प्रकृति के से जो भी बर्ड्स हैं या जो भी हमारे समुद्र के जीव जंतु हैं उन सभी के फोटो हैं यहाँ पर, तो आप देखिएगा। इसमें फ़ोटो और इन जो कलाकृतियाँ हैं वो कुछ जैसे कि इसमें लगा रखे हैं स्क्रीन्स, इनको छूना मना है। और इसमें कुछ गार्ड भी लगा रखे हैं ताकि कोई किसी भी चीज़ की छेड़खानी या उसको छेड़े ना और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो,
राजस्थान का जो थार या मरुस्थल है उसको भी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने प्रदर्शित किया है और इसको देखकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मतलब कि जो सोना है ना वही फीका पड़ रहा है इसके सामने। इस प्रकार दिखाया गया है रेतीले थार को जो मरुस्थल है हमारा, उसको म्यूजियम घूमने में तो भाई साहब मज़ा ही आ रहा है। म्यूजियम में मतलब कि अलग ही अंदाज है और कुछ जो ये प्राकृतिक चीज़ें का नज़ारा दिखा रखा है बहुत ही अलग ही फील हो रहा है। मतलब कि बहुत टाइम तक देखते रहें पर समय का अभाव हमारे पास भी, हम भी यहाँ से निकलते जा रहे हैं वो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं कि घर भी जल्दी पहुँचे, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं और कम ही टाइम में मतलब कि बहुत चीज़ें देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं और समय का अभाव होने के कारण हम थोड़ा पास चल रहे हैं और ज़्यादा उन चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहे और देख भी नहीं पा रहे। बस यह है कि हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और थोड़े देख भी रहे हैं, बाकी फिर कभी आएंगे फिर आपको दिखाएंगे और फिर अच्छी तरीके से देखेंगे। और समय के कारण हम थोड़ा पास्ट है, तो फिर आगे आपको फिर अगले आने वाले व्लॉगों में किसी एक में आपको फिर संग्रहालय दिखाने की कोशिश करूँगा। तो पूरा लाभ उठाइएगा, देखिए लास्ट में वीडियो को लास्ट तक देखना। और अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि संग्रहालय कैसा लगा, जिससे हमें भी मोटिव मिलेगा और हम भी आगे आपको दिखा पाएंगे कुछ वीडियो और भी इससे भी अच्छी प्रकार से कहीं घूमेंगे तो वहाँ के वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए लास्ट तक। और जो भी पल यहाँ हमने बिताए मस्ती मजाक से भरे बिताए और हम यहाँ देखकर बहुत ही खुश हुए और यहाँ हमने बहुत ही आनंद भरे पल बिताए और हम इसी व्लॉग वीडियो को एंड करते हैं और आप भी आएगा देखने ज़रूर। और अब हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल गाइज़।